Hello everyone, good morning. How are you all? Today we start our class with the court of a famous man, an inspiration to millions of people around the globe. His name is Elon Musk. Okay, you can see him here. You must know them. So, who is he? He is the CEO of various companies such as SpaceX, Tesla. Here I am writing, and so many other. The most futuristic company of his is Tesla. We are not. टिंग अबाउट द कंपनीज बट टॉकिंग अबाउट हिम इज आई टू टेल यू समबाउट हिम सो ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड ये सबसे अमीर लोगों में से एक है इसकी जो कहानी है वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है ये बचपन में जो था इसको बच्चे जो है दूसरे बच्चे बहुत बुली करते थे बहुत परेशान करते थे और लेकिन इसकी क्या एक हैबिट थी वो थी रीडिंग रीडिंग मतलब पढ़ना तो ये खुद पढ़ता रहता था पढ़ता रहता था एक छोटे से गांव में या छोटे शहर में जहाँ पर ये बड़ा हुआ वहाँ पर दो लाइब्रेरी थी ये इतना इसका पढ़ने का शौक़ था कि लाइब्रेरी की सारी बुक्स ख़त्म हो गई थी इसके पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं था ठीक है फिर ही केम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड नाउ ही इज अ ग्रेट मैन ओके वॉट इज कॉट आई एम गोटिंग हिस्स गॉट वैन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ यू डू इट इवन इफ द ओर्स आर नॉट इन योर फेवर वॉट ही वॉन्ट टू से इज दैट यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ यू नो वी ऑल हैव टू सेट आर प्रायरिटीज इफ द प्रायरिटीज आर प्रायरिटीज आर बींग सेट दैन वी कैन डू इट वी कैन डू इट हम उस चीज़ को कर सकते हैं जब बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में नहीं हों ठीक है चाहे आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें चाहे आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो हमेशा जो चीज़ें हैं वो फेवरेबल नहीं होगी द थिंग्स आर नॉट ऑलवेज फेवरेबल ठीक है स्ट्रगल आर पार्ट ऑफ लाइफ फेलियर्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ कोई भी पहले एक्षाम, पहला एग्ज़ाम पहला एग्जाम देके सेलेक्ट नहीं होता होता है तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन बट मोस्ट ऑफ द पीपल फेल्स फेल्स एंड फेल्स एंड द लर्न आउट ऑफ इट एंड द गेट सक्सीड ओके सो फेलियर इज़ अ चांस टू लर्न लर्न आउट ऑफ इट इफ यू हैव अ लर्निंग एटीट्यूड दैन वी कैन गो बिहड एनी थिंग एंड गेट एनी थिंग सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक आज का जो टॉपिक है हमारा वो है यानी कि आज जो हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट एम जोधपुर जो कि 2018 में हुआ था ओके अगस्त 2018 फर्स्ट है इसका मैं आप थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा इसके साथ साथ बिकॉज आई एम फीलिंग रियली एनर्जेटिक बिकॉज ऑफ आई हैव टॉक्ड अबाउट इलान मस्क इज़ माई इंस्पिरेशन सो ऑल स्टेज ऑफ रेश आर सीन साइमल्टेनियसली इन ऐसा कौन सा डिजीज है ये एक कम्युनिटी का क्वेश्चन है जिसके अंदर सारे स्टेजेज़ ऑफ रेश यानी कि मैक्यूल पेप्यूल पोस्टूल वेसिकल ये सब देखी जाती है तो वो हमारी डिजीज़ कौन सी कहलाएगी चिकन पॉक्स सेकेंड क्वेश्चन इज़ फाइंडिंग इन रेक्टल बायोपसी ऑफ पेशेंट विथ एग इग्लोनिक मेगाकोलोन अगर एक पेशेंट है उसको एग इोनिक मेगा कलोन है यानी कि पेशेंट कौन है हमारा बच्चा है ठीक है तो उसको एग इंग्लोनिक मेगाक्लोन अगर होगी तो उसमें क्या फाइ फाइंडिंग में हमें देखने में मिले, मिलेगी ठीक है लैक ऑफ इंग्लोनिक सेल ओके सेल कम होगी ओके जिससे कि वहाँ पर नर्वस सिस्टम वहाँ का पूरा बनेगा नहीं और जो है वो वहाँ पर म्यूकोनियम पास नहीं होगा ठीक है कैसे पता चलेगा कि हमको किसी पर्सन को एग इंग्लोनिक मेगा है ठीक है एग इंग्लोनिक मेगाक्लोन है कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन जो है म्यूकोनियम पास नहीं कर रहा है चौबीस घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं ठीक है तो दैट इज़ कॉल्ड ए एगोनिक मेगाकोलोन इसके अंदर हम बेरियम सॉलो करवा के हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं ओके एक्सरे भी कर सकते हैं ठीक है ये डिजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नर्स रिकॉग्नाइजिंग दैट डिजिटल प्रिपरेशन प्रमोट्स डायरेसिस ओके कोई डिजिटल इसकी प्रिपरेशन है वो क्या करती है डायब्रिसिस को प्रमोट करती है शुड इवल पेशेंट फॉर डिप्लेशन ऑफ ठीक है अगर डायब्रेसिस हो रहा है तो डिप्लेशन ऑफ़ किसकी कमी हो सकती है पोटेशियम की ओके okay. उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बोन डिजीज एक्सेप्ट ओके बाकी सारी बोन डिजीज हैं एक को छोड़ के कौन सी नहीं है वो है हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो है अलग अलग ए बी डी सी ई इस तरह से बहुत सारे टाइप का होता है ठीक है और मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होती है ठीक है फाइलेरियासिस भी एक मच्छर काटने से होती है प्लेग जो है वो चूहों से और इस तरह से फैलता है प्लेग की महामारी भी आई थी आपको याद हो तो बहुत पहले कोलकाता के अंदर तो ये सारी डिजीज़ क्या है वेक्टर बॉन है इसके लिए एक वेक्टर चाहिए जबकि हेपेटाइटिस के लिए कोई वेक्टर नहीं चाहिए ओके नो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स क्वेश्चन क्या है द बेस्ट मेथड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स ओके कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में मैं आपको बता दूं ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल के अंदर ठीक है फीमेल के अंदर कौन सा मोस्ट कॉमन है सेकेंड मोस्ट कॉमन फर्स्ट मोस्ट कॉमन हमने पहले वीडियो में भी देखा है ब्रेस्ट कैंसर हमेशा फर्स्ट मोस्ट कॉमन प्रायोरिटी रही है हमारी तो डायग्नोसिस ऑफ कैरसिनोमा सर्विक्स जो है वो कैसे किया जाता है ध्यान से देखिए यहाँ पर पैप्स मर से ओके पैप्समीर इज द डायग्नोसिस ऑफ कैर्सिनमा सर्विक्स नॉट कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के बारे में मैं आपको बता बता देता हूँ सारे कैंसर की बात हम यहाँ पर करेंगे जितने भी कैंसर हैं उनके अंदर कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस हमारा क्या होगा वो होगा ऐसे पूछे तो ओवरऑल बता रहा हूँ इट मे बी एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर तो हमारा होगा बायोप्सी ठीक है हम वहाँ से टिश्यू को निकालेंगे बायोपसी के द्वारा और उस टिश्यू को हम देखेंगे फिर हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है या कितना है इस तरह से कौन सी डिग्री डि का है ओके okay. कौन सी स्टेज का है नेक्स्ट इज़ विच पार्ट ऑफ माइंड वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल ओके कौन सा पार्ट ऑफ माइंड वर्क्स करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे तो ईगो ओके परफेक्शन प्रिंसिपल पे कौन करता है सुपर ईगो यहाँ पे सुपर ईगो ठीक है और एक होता है ईड ये काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर ठीक है इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ बताता हूँ कि एक आदमी जो है वो जा रहा है ठीक है उसको एक दिखा आम का पेड़ एक मैं पेड़ बना देता हूँ यहाँ पे ठीक है ऐसा समझ लेना पेड़ है ये दिख तो नहीं रहा है तो ये पेड़ है इस पर आम लगे हुए हैं मीठे मीठे आम तो उन आम को देख कर ये हमारा आदमी है हमारा आदमी नहीं है आदमी है सामान्य आदमी ठीक है ऐसे ही बना देता हूँ मैं थोड़ा सा उल्टा बन गया ठीक है कोई बात नहीं तो ये आदमी है ये जा रहा है इसको आम दिखते हैं ये क्या करता है आम पेड़ को देख कर अगर ये क्या सोचता है अगर ईड का प्रिंसिपल की एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये क्या देखा हमने प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है तो क्या है क्या करेगा जाके वहाँ घुस जाएगा और आम के अंदर तोड़ फोड़ कर देगा ठीक है उसको कोई भी वेट नहीं हो रहा है उसको कि बस जो चीज़ करनी है वो अभी करनी है चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यही आदमी है ठीक है और ये क्या कर रहा है क्या कर रहा है ये अगर ये इसको देख कर, ये सोच रहा है कि आस देख लेता हूँ मैं कोई गार्ड तो नहीं खड़ा हुआ है उसके पास लाठी तो नहीं है ठीक है उसके पास बंदूक तो नहीं है ठीक है ये हमारी बंदूक हो गई तो अगर उसके पास बंदूक है लाठी को धर के वो ध्यान दे रखेगा कि अगर वो है तो कहाँ पर बैठा हुआ है जो है वो सो तो नहीं रहा है उसके बाद वो आम तोड़ने के लिए जाएगा बगीचे के अंदर तो ये क्या यहाँ पर है ये रियलिटी प्रिंसिपल है ठीक है रियलिटी यानी कि ईगो ठीक है यहाँ पर लिख देता हूँ ई गो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है ईगो तो ये देख रहा है उसके अनुसार काम कर रहा है ठीक है जो कंडीशन है उसके आधार पर काम कर रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे रियलिटी प्रिंसिपल लास्ट बट नॉट द लिस्ट है हमारा क्या है सुपर ईगो सुपर ईगो ठीक है ये काम करता है परफेक्शन के प्रिंसिपल पे यह क्या सोचेगा अगर प्रंसफेक्शन प्रिंसिपल के एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या सोचेगा ये क्या सोचेगा आम को दिखेंगे तो सही इसको लेकिन ये बोलेगा आम को देख कर की कि आम को तोड़ना और चुराना चोरी करना गलत बात है और इसमें क्या है परफेक्शन का प्रिंसिपल है ठीक है परफेक्शन इसमें कोई भी ईड नहीं है कोई भी ईगो नहीं है कोई सुपर ईगो नहीं है तो हाईएस्ट लेवल का अपन बात करेंगे तो कौन सा होगा सुपर ईगो आया समझ में आपको आ गया होगा आई विश नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय पीएचसी इन प्लेन एरिया ठीक है एक प्लेन एरिया है वहाँ पर जो है पीएचसी जो है वो कितनी पॉपुलेशन पर रहेगा तो इसका आंसर हमारा होगा क्या होगा थर्टी थाउजेंड कितना होगा थर्टी थाउजेंड ओके और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यह है प्लेन एरिया की बात ठीक है अगर हिली एरिया होगा मतलब पहाड़ी इलाका अगर होगा ये पहाड़ हो गए तो पहाड़ी इलाके में ट्वेंटी थाउजेंड पर एक पी एच सी खोलेंगे ठीक है पी एच सी की बात हो रही है अब बात कर लेते हैं सब सेंटर की सब सेंटर की तो वो पहाड़ी इलाके में खुलेगा थ्री थाउजेंड की पॉपुलेशन पे और पहाड़ी एरिया में खुलेगा सॉरी 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 उल्टा बता दिया मैंने पहाड़ी एरिया में खुलेगा थ्री थाउजेंड पे और हिली एरिया में खुलेगा हार्टली सॉरी हिली एरिया में थ्री थाउजेंड आंसर है आई एम करेक्टिंग दिस नाउ नो मोर कन्फ्यूजन हिली एरिया में थ्री थाउजेंड एंड प्लेन एरिया में फाइव थाउजेंड ओके उसके बाद होता है सी एच सी ठीक है सी एच सी के अंदर जो है हमारा ये होगा पहाड़ी इलाके में अस्सी हज़ार की पॉपुलेशन पे और नॉर्मल एरिया में होगा एक लाख बीस हज़ार की पॉपुलेशन पे आया समझ में आपको कौन कौन होता है सी पर अगर इसकी स्टाफिंग की बात करें तो चार डॉक्टर होते हैं ठीक है एक होता है जनरल फिजिशन ठीक है एम एक होता है आपका गायनेक का डॉक्टर होता है एक होता है आपका पीडियाट्रिशियन ठीक है और एक और कौन सा होता है सर्जन ठीक है सर्जरी भी करेगा ना सर्जरी भी करेगा ये हो गया सर्जन ओके आ गया समझ में यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ की जो नर्सिंग ऑफिसर्स होंगे वो होंगे सेवन ओके आप इतना याद रख लीजिए ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है अगर हम पीएचसी की बात करें पीएचसी में एक डॉक्टर रहेगा एक नर्स रहेगी एक फार्मासिस्ट है एक सारे एक एक रहेंगे इसमें कोई टिपिकल नहीं है ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं समझ में आ गया होगा आपको कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम ये नाइन्थ क्वेश्चन है द अप्रोक्स इंक्रीज इन लेंथ ऑफ चाइल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ ठीक है यानी कि एक साल के अंदर कितना चाइल्ड की जो है वो लेंथ बढ़ रही है ये है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स का आंसर है ओके When toddler move around on hand on their hands, keeping their abdomen off the floor, ठीक है यानी कि यह एक बच्चा है ऐसे ही बना देता हूँ डायग्राम आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना ठीक है ये बच्चा है ये इस तरह से ठीक है इस तरह से इसका इसका सर हो गया तो ये इस तरह से चल रहा है ठीक है एक और पेड़ रहेगा यहाँ पे, पीछे देख लो आप ये दो पेड़ हो गए तो ये इस तरह से चल रहा है ठीक है दोनों ये दो हाथ भी हो गए ठीक है इस तरह से चल रहा है यानी कि इसका जो यहाँ पर फ्लोर है और इसका एबडोमन क्या है ऊपर है कहाँ से फ्लोर से तो उसको क्या कहेंगे हम क्रिपिंग और अगर ये नीचे एबडोमन को जमीन पे अगर टिका के चल रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्राउलिंग ठीक है आया समझ मोटू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाल्स सेंसरी परसेप्शन विद नो बेसिस इन रियलिटी इज नॉन एज फाल सेंसरी परसेप्शन जो है जिसका कोई रिलेटिव बेसिस नहीं है वो है हैलिसनेशन इट कैन बी ऑडिटरी विजुअल और फैक्ट्री एट्सट्रा इसके ऊपर भी मैंने जो है अलग से एक वीडियो बना रखी है पहले तो प्लीज़ आप उसको जाकर देखें यू विल गेट क्लियर इट नेक्स्ट इज़ इन ई सी जी पी वेव रिप्रेजेंट पी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है एट्रेल डिपोलराइजेशन को ई सी जी थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको एक अलग लेक्चर में कंसिडर करेंगे अलग लेक्चर में पढ़ेंगे अभी इसको ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं जाते हैं उसके बाद द टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वॉज प्रजेंटेड इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स बाय ठीक है ये एक टेक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी तो वो था बेंजामिन एस ब्लूम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड बाई रेस्पिरेटरी रूट एक्सेप्ट इसमें से कौन कौन सा रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसफर होता है राइनोवायरस होता है रेस्पिरेटरी रूट से ठीक है रेस्पिरेटरी सिंसिटिकल वायरस होता है इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है कौन सा नहीं होता रोटा वायरस तो हमेशा हमें क्या अभी दो दिन बाद एग्ज़ाम है तो हमेशा क्या करना है हमको एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ करना है ठीक है अगर हमें नहीं भी आता है तो जो गलत है कम से कम उसको निकालो तो हो सकता है आप सही आंसर तक जाओ ओके उसके अलावा जो है बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कितने क्वेश्चन करके आना चाहिए तो कितने क्वेश्चन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कम से कम वन क्वेश्चन तो है आपको करना ही चाहिए ज़्यादा ज़्यादा का कोई भी वो नहीं है मैंने तो बहुत बार दो में से 200 दो क्वेश्चन भी करे हैं ठीक है ये बात तो अलग है कि उसमें हमारा मेरा सलेक्शन नहीं हुआ था तो मिनिमम वन फिफ्टी तो आपको करनी है दो सौ की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मैं गलत यानी कि आपका जो है अगर हम कट ऑफ की बात करें ना तो लगभग लगभग आपका पासिंग मार्क्स अगर आप लिया होगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हमें क्वेश्चन जो है वन फिफ्टी से वो करनी है कम से कम उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग बहुत को अवॉइड करना है ठीक है जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो ठीक है उसके बाद हमें अलग अलग राउंड में पेपर करना है जैसे कि हमें मान लो पहले हमने सौ क्वेश्चन कर लिए ठीक है फिर जो बाकी सौ छूट गए थे उनको वापस से देख लिया उनमें से पचास कर लिए तो डेढ़ सौ क्वेश्चन हो गए बाद में लास्ट में सबको एक साथ देख लिया तो कितने जितने हुए उतने हुए बाकी लास्ट में आप छोड़ के आ गए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी ऑप्शन लिख देता हूँ लिखने से वजन आता है ऑप्शन चेंज नहीं करें ऑप्शन कभी भी चेंज नहीं करना है अगर आप लास्ट में जाके दस क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज करके आएंगे तो दस में से नौ क्वेश्चन तो गलत होंगे आपके गलत हो जाएंगे लेकिन आपका जो क्योंकि हमेशा क्या होता है जो हम फर्स्ट इंस्टेंस में हम उसको देखते हैं और हमें जो आंसर लगता है वो फर्स्ट आंसर हमेशा सही होता है ठीक है क्योंकि आपको नहीं आ रहा है ना तो किसी को नहीं आ रहा है कोई भी यहाँ पर कोई साइंटिस्ट नहीं है ठीक है सभी जो है आपकी जितने ही ज्ञानी है किसी ने भी लॉकडाउन के अंदर कोई खास पढ़ा नहीं है लॉकडाउन के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम थी मुझसे बहुत सारे पूछते रहते थे, थे कि सर ये कब होगा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ठीक है तो एग्ज़ाम तो हो ही रहा है और होता ही रहेगा नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो जब तक दुनिया चलेगी तब तक हमारा प्रोफेशन चलेगा इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ स्ट्रेस नहीं लेना है थोड़ी स्ट्रेस तो रहती है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है ठीक है एग्ज़ाम से पहले जो है किताबें छोड़ दीजिए चौबीस घंटे पहले कम से कम ट्वेंटी फोर आवर बिफोर जो है हमको किताबों से दूरी बना लेनी है क्यों क्योंकि क्या होता है कि हम किताबें पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं और होता जाता कुछ नहीं है जो चीज़ हमने चार साल में नहीं पढ़ी छः महीने में नहीं पढ़ी उसको हम छः घंटे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसा पॉसिबल है क्या आना होगा तो हमें वैसे ही आ जाएगा नहीं आना होगा तो नहीं आएगा इसलिए आप कोशिश करें कि एग्ज़ाम सेंटर पे किताबें नहीं ले जाएं और अपना समय फालतू में वहाँ पर व्यस्त नहीं करें ठीक है ओके लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नेचुरल एनोलिस ठीक है अगर कोई पेशेंट है नेचुरल एनोलिसिस का मतलब नेचुरल्स का मतलब यहाँ पर नाइट्स हैं मतलब तो कोई पेशेंट रात में यूरिन पास कर रहा है तो उसको बोलेंगे एम ए ओके ड्रग कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन जो है मैंने उसके ऊपर भी एक अलग से लेक्चर है उसमें आप जाके देखें समझ में आ जाएगा नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज यूपनिया इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है कम से कम मिनिमम एज ऑफ मैरिज इन इंडिया नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के हिसाब से यह है अठारह साल ठीक है यहाँ पे भी अठारह साल लिखा हुआ है कुछ अलग नहीं है यू द लाइक अब थोड़ा क्विक करेंगे हम क्योंकि हमें वीडियो जो है ज़्यादा समय उस पर नहीं लगा सकते वीडियाल टेस्ट जो है हमारा सॉरी डी आर एल टेस्ट हमारा में करते हैं सिफिलिस एक एस है एस मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसी डिजीज़ जो सेक्शुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा फैलती है द पार्ट ऑफ माइंड डिस्टिंगज़ राइट फ्रॉम रॉन्ग ऐसा माइंड का पार्ट जो सही को गलत से अलग करता है सुपर ईगो आई हैव एक्सप्लेन इट अर्लियर वीडियो में पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वीडियो को स्किप ना करें अगर आप स्किप नहीं करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आप स्किप कर देंगे तो आप आधी आधी अधधरी चीज़ें पता चलेगी ठीक है फिर अधिक जल घगरी छलकत जाए वाली एक कहावत आपने सुनी होगी मतलब जो आधा ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को महान ज्ञानी समझता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पॉलीवेलेंट वैक्सीन इज कंजिस्ट ऑफ पॉलीवेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या होती है मोर स्ट्रेंथ ऑफ सेम स्पीशीज एक ही स्पीश की की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती है ठीक है एक पेंटावेलेंट आता है ठीक है आजकल पेंटावेलेंट दिया भी जाता है तो उसके ऊपर भी मैं एक इम्यूनाइजेशन के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा आफ्टर एट्थ ऑफ सितंबर, उसके बाद क्योंकि हम सी के लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे आपका सी में सिलेक्शन होगा इसमें भी होगा सी में भी होगा नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट ठीक है यूजेनिक्स जहाँ पे भी जेनेटिक्स से रिलेटेडशिप है, उसको यूजेनिक्स कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन इन विच ट्रीटमेंट ऑफ थिंग्स इज बेज ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी ठीक है ये आ, आपका सी का क्वेश्चन है इसमें प्रेगमेटिज्म आंसर है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है okay, आप पढ़ लें बस एबडोमिनल असेसमेंट जो है यस दिस इज़ द थिंग मैंने एक दिन आप, आपको बताया था आई एम आई एम पर्पल ठीक है तो ये मैं उस टाइम पे फुल गया था आई एम पर्पल का मतलब क्या होता है इंस्पेक्शन ठीक है फिर एम का मतलब ए से ऑस्कल्टेशन पी से परकोशन और लास्ट में पालपेशन ठीक है जब भी हम एबडोमन की बात करते हैं तो पालपेशन सबसे लास्ट में करेंगे ठीक है अदरवाइज जो है सबसे पहले इंस्पेक्शन एक्शन ऑफ हिपेरिनट है मैंने आपको कोविड के अंदर भी हिपेरिंग के बारे में बताया है इसलिए हम हिपेरिन की यहां पर ज्यादा बात नहीं करेंगे बेस्ट मेथड ऑफ लीडरशिप सबसे अच्छी लीडरशिप की मेथड है डेमोक्रेटिक इसके ऊपर भी मैंने कल यहाँ पर है। आप देख रहे हैं प्लीज जाके वीडियो को उसके बाद लीनियर बरोइंग ऑफ माइट एट फिंगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ रहा हूँ लीनियंग बरोइंग ऑफ माइट एट फिंगर वेब्स रिस्ट एल्बो एंकल्स एंड सीन इन ठीक है क्या क्या होगा एक बीमारी है स्केबिस ठीक है इस केबीज जो कि स्किन को इफेक्ट करती है इसके अंदर एक माइट होती है सार्कोप्टिस सार्कोप्ट स्केबी आई थोड़ा स्पेलिंग अगर गलत हो तो आप देख लेना कोई बात नहीं स्पेलिंग इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न हमारे यहाँ पर हमें समझ में आना चाहिए ठीक है सर इसके भी आई क्या करती है जैसे यहाँ आप, आपकी फिंगर्स है ठीक है ये फिंगर्स हैं कितनी होगी अंगूठा भी आ गया इसके अंदर चलो तो फिंगर्स के बीच में जो है जगह है ठीक है इसको इफेक्ट करेगी ये ठीक है आपके जो है रिस्ट को अफेक्ट करेगी एल्बो को अफेक्ट करेगी पिनाइल रीजन पे भी आपको अलग अलग जो है वहाँ पर आपको बरो देखने को मिलेंगी ठीक है ठीके? जिसके अंदर ये माइट रहती है ओके तो यह है इसके बीच इसका ड्रग ऑफ चॉइस है लिंडेन ठीक है लिंडेन या परमिथ्रीन भी यूज़ कर सकते हैं लिंडेन जो है दो साल से छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये नर्वस टॉक्सिसिटी होती है पर मिथ्रीन ठीक है आप समझ जाएँ इसको परमिथरीन लिंडेन टू परसेंट उसको बोलते हैं कि भैया क्या करना आप लिंडेन को सोने से पहले ये एक आदमी है हमारा ठीक है वापस आदमी बना देता हूँ बार बार आदमी बना देता हूँ आदमी हूँ ठीक है आदमी बनाऊंगा मैं आदमी मैं खुद भी तो इसके हैंड हो गए इसको बोलेंगे कि भैया नेक से नीचे नीचे पूरी बॉडी पर रात को सोने से पहले इसको लगा करके तू सो जाना सुबह उठ कर तो देखेगा तो ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी ठीक है द नेक्स्ट क्लोजर ऑफ एंटीनियल फाउंडल कब होता है डेढ़ साल में ठीक है पिच पिछले वाले का कौन कब होता है डेढ़ महीने में यानी कि सिक्स वीक कन्फर्मेटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है फिटल हार्ट साउंड अगर सुनाई दे रही है तो कन्फर्मेटिव साइन है ठीक है बधाई हो आप क्या बनने वाले हैं पिता बनने वाले हैं और आप फीमेल है तो माता बनने वाले हैं इनक्यूबेटर हीट एक्सचेंज इनक्यूबेटर में हीट एक्सचेंज किस तरह से होता है तो वो होता है कन्वेक्शन से ओके okay? इसके बारे में हम अलग से कभी पढ़ेंगे अभी ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा सकता वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी मैनेजमेंट ऑफ बेरी बेरी का कहाँ से होता है थाइमिन से यानी कि विटामिन बी वन से फर्स्ट एक्शन ऑफ इन केस ऑफ बी टी रिएक्शन अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है और फिर एन एस से एन एस उसमें एन एस से चलाना है एन एस नाइन परसेंट जीरो पॉइंट नाइन परसेंट ओके उसको चलाना है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंड ऑफ डी एन ए दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ठीक है डी एन ए के अंदर ऐसा कौन सा स्टैंड होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है आंसर है क्रोमोजोम टेट्रासाइक्लिन इज यूज इन प्रोफाइलिकसिस ऑफ कोलेरा ठीक है फादर ऑफ फिज साइकोलॉजिकल थ्योरी सिगमंड फ्रूड एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग एंड एसटीन अ पेशेंट हु अब्यूज अल्कोहल एंड कोकेन ठीक है एक पेशेंट जो अल्कोहल लेता है और कोकिन लेता है नर्स को कह रहा है कि मैं इसलिए ले रहा हूँ सबसान से भी इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत टेंशन है मेरी बीवी से लड़ाई होती है मेरे बच्चे अच्छे नहीं है मेरे माँ बाप अच्छे नहीं है मेरे ये अच्छा नहीं है मेरा वो अच्छा नहीं है तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन ठीक है इसके बारे में मैंने क्या करना है आपको बताइए वीडियो देखना है पिछले वाला क्लोरोक्विन एक्सिबिट एंटी मलेरियल एक्शन ठीक है कोरोना में भी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो हमने उस लेक्चर कोविड वाले लेक्चर के अंदर देखा है ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ मिले पेरट लाइक रिपिटेशन ऑफ वर्ड्स स्पोकन बाई अदर्स इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो कहलाता है इको ले लिया ठीक है ले लिया चलिया इको ठीक है इको मतलब वर्ड्स ले लिया मतलब ले लिया वर्ड्स ले लिए इको ले लिया वाह ये मैंने अभी बनाया क्रिएटिविटी एक होता है इको वापस लिखता हूँ एक होता है इको प्रेक्सिया ठीक है बंदर नहीं करता क्या जैसे हमने वो टोपी वाली कहानी सुनी थी कि वो होता है वो उस टोपी बंदर पहन लेते हैं फिर वो बोलता है वो खुद अपनी टोपी नीचे रखता है बंदर भी अपनी टोपी नीचे रख देते हैं इकोप्रेक्सिया मतलब है रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स दूसरों के बिहेवियर को रिपीट करना कहलाता है इकोप्रेक्सिया होमान साइन क्या इंडिकेट करता है कौन सी डिजीज़ के अंदर होता है प्लीज़ आप कमेंट करके दिखाएं बताएं वेसिकल क्या होता है एलिवेशन ऑफ स्किन फिल्ड विथ फ्लूड ऐसा एलिवेशन होना स्किन का सेंटीमीटर से छोटा फ्यूट से भरा हुआ उसको हम बोलते हैं वेस्टिकल रेड स्टिनबर्ग सेल इन रेड स्टिनबर्ग सेल कहाँ पर मिलती है हॉचकिंस लिम्फोमा में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अन ट्विस्टिंग ऑफ नेक सस्टेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ठीक है अलग अलग स्टेजेस होती है जैसे इंगेजमेंट डिसेंट इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन रेस्टिट्यूशन डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटाइन ड्रंक और ये बहुत सारी होती है हम ऑविजीज जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे नेक्स्ट इज व्हाट इज द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है एसिड ये जो है दो तरह से हो सकते हैं एक तो असेंशियल होता है ठीक है इसका उल्टा होता है नॉन असेंशियल ठीक है असेंशियल मतलब जो हमें बाहर से लेने की जरूरत है नॉन असेंशियल मतलब जो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है बॉडी खुद बना सकती है उसके बाद अ रेयर कंडीशन इन विच सेपरेट पर्सनैलिटी एग्जिस्ट इन सेम पर्सन इज कॉल्ड डिसोशिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक पर्सन के अंदर अलग अलग जो है पर्सनैलिटी अगर रहती है तो उसको हम कहेंगे डी आई डी डिसोशिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यहाँ री आई डी लिखा था वापस ये क्यों लिखा क्योंकि आप इसको टाइम इंडिया डांस ना समझें तो इसके अंदर आपने अपरिचित आप मूवी ज़रूर देखी होगी अपरिचित मूवी के अंदर जो पेशेंट है वो इसी डिजीज़ का रहता है ठीक है उसके अलावा एक नया शो आया है वेब शो ब्रीथ उसका सेकंड पार्ट उसके अंदर भी ये दिखाया गया है प्लीज़ आप चाह कर देख लें एग्जाम के बाद लेकिन अभी नहीं देखना है ठीक है प्लेस मेगर ऑफ आर्ट ऐसे नोट पूरी दुनिया को पता है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो ये भी सबको पता है थर्टीज टू टू आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड बिलोंग्स टू किस कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है प्रिवेंशन ऑफ लेवल हमने प्रिवेंशन भी पढ़ लिया है बच्चों पढ़ाया नहीं पढ़ाया समझ में आया नहीं आया, आया आपको आ गया होगा नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को देखें बार बार देखें दस बार देखें सो बार देखें कभी ना कभी तो आएगा तो वो क्या है प्राइमरी प्रिवेंशन है उसके बाद तो मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर इज कंट्रोल बाय हेड एंड शोल्डर की मूवमेंट हेड एंड शोल्डर वो शैम्पू शाम, नहीं है ठीक है हेड मतलब सर और शोल्डर मतलब शोल्डर्स तो उसकी मूवमेंट कौन वो करता है असेसरी नव ठीक है और न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज इन अलाइल्जाम डिजीज अल्जाइमर डिजीज के अंदर कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर डिक्रीज होता है एसिटाइल कोलाइन ठीक है अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज है उसके बाद विच आई जी जी निमिनोग्लोबिन इंक्रीज इन एलर्जी एलर्जी के अंदर हमेशा आई जी बढ़ेगी इसके अंदर भी हम अलग से मैं बिल्कुल टू यू दैट अ डिफरेंट क्लास एंड स्टडी दिस देयर द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू गदर द डेट दैट इज़ एंटेंडेड टू मेजर डाटा सॉरी ऐसा डाटा जो उसको मेजर करने के लिए बनाया गया है तो उसको बोलेंगे वेलिडिटी ठीक है क्या बोलेंगे उसको वेलिडिटी उसके अलावा अगर किसी को बार बार कंसिस्टेंसी से कोई चीज़ में हम देखेंगे किसी की कंसिस्टेंसी अगर देखनी है तो क्या होगी रिलायबिलिटी ठीक है कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है ऐसा देखना है तो हमें कैसे क्या देखना पड़ेगा रिलायबिलिटी देखनी पड़ेगी ये भी आ सकता है रिसर्च में से ये दो कुछ, दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं या तो वैलिडिटी आता है या रिलेबिलिटी आता है उसके बाद द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड ड्यूरिंग ईच वर्टिकुलर कॉन्टेक्शन ये तो आप सभी को पता है स्टॉक वॉल्यूम आई आई नॉट एलेबोरेट इट मैन इज सोशल एनिमल किसने कहा अरिस्टोटल यानी अरस्तु अरिश्टो, अनचेकेबल पर डिल्यूजन इसके अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है साइकेट्रिक इज माई वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टाइफॉइड टाइफॉइड का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है विडाल मेरे ये है विडाल ठीक है ब्लड ग्रुप दैट कैन भी एडमिनिस्टर्ड ज्यूरिंग एमरजेंसी एक पेशेंट है जो इमरजेंसी के अंदर आया है उसको कौन सा ब्लड चढ़ाएंगे उसका ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है तो ओ पॉजिटिव सॉरी ओ नेगेटिव ठीक है यूनिवर्सल डोनर किसको कहेंगे ओ नेगेटिव को कहेंगे द मेजर मसल ऑफ रेस्पिरेशन डायफ्राम है ठीक है द हॉर्मोन बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन होता है दूसरा होता है एडीएच एंटी डायोटिक हॉर्मोन ओके बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एडीएच फिजोप्रेसिन भी बोलते हैं उसको आई ड्रॉप शुड बी इंस्टिल्ड इन आई ड्रॉप कहाँ पर इंस्टिल करेंगे लोअर कंजक्टाइबल सेक है ठीक है ये आपकी आँखें तेरी आँखें झुकी झुकी तेरा चेहरा खिला खिला वाह वाह ये है आपकी आँखें ठीक है आँखें पिक्चर नहीं है आँखें पिक्चर भी है लेकिन आपको पिक्चर देखनी नहीं है पिक्चरें कम देखा करें आप सभी ठीक है पढ़ाई ज़्यादा करें जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा ये जो आपकी आँखें हैं जो झुकी झुकी पल के तेरी शायरा ना हो रहा हूँ मैं भी ठीक है मुझे आँख ऐसे बहुत अच्छा लगता है आँख बनाना डायग्राम बनाना कला शिक्षा में सौ नंबर आया था काश कला शिक्षा ले लेता हूँ मजाक कर रहा हूँ तो ये जो है ये लोग ये एक डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको समझ में आए मैंने खुशी के लिए नहीं बनाया ठीक है मुझे भी खुशी हो रही है इट्स नॉट द टिपिकल थिंग तो ये जो आपकी यहाँ पर ये आपकी लोअर कंजेक्ट सिक के अंदर या रिंग के अंदर क्या डालेंगे हम यहाँ पे जहाँ पे काजल डालते हैं ना कुछ लड़के भी डालते हैं कागज काजल उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा <coughs> उसके बाद मैं कुछ विवादों में नहीं पढ़ना चाहता एक्चुअली उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबोल इज़ कॉज बाय डिफिशेंसी ऑफ विच विटामिन ठीक है हेमरेजिक डिजीज़ जो बच्चों की होती है उसके अंदर कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है तो विटामिन के होता है क्यों होता है देखेंगे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है स्टेराइल होती है उनकी गट ठीक है गट स्टेल होती है लेकिन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन के कौन करता है वहाँ पर लार्ज इंटस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है ठीक है वहाँ के जो माइक्रोनिजम है वो करते हैं तो माइक्रोनिज्म तो है ही नहीं विटामिन के बनेगा कैसे विटामिन के बनेगा नहीं तो हमरेजिक डिजीज़ होगी या नहीं होगी बताएं आप मैं आपको क्या कोशिश करता हूँ कि कन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ ठीक है कोई चीज़ याद रखना इसका ये होता है वो होता है वर्ड्स याद रखना नंबर याद करना डेट याद रख करना ठीक है वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है हो सकता है कहीं पर इंपॉर्टेंट हो पर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए भी मैं यही प्रायोरिटी सेट करना चाहूँगा कि आप कन्सेप्ट को समझें चीज़ हो रही है उसका वाई समझें कि हो रही है तो क्यों हो रही है नर्स ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है डॉक्टर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है जिस दिन आप वाई समझने लग गए वाई को जानने में आपको इंटरेस्ट आ गया उस दिन जो है आपकी जॉब दूर नहीं है ठीक है कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद एंटीडोड ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी है कैल्शियम ग्लूकोनेट पेरेंटल डेथ कब के लाएगी अट्ठाईस वी को प्रेगनेंसी से लगा करके बर्थ के सात दिन बाद हम उसको क्या कहेंगे पेरीनेटल डेथ ठीक है उसके बाद फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए श्रीमान हेनरी फेयल ने ट्यूब यूज टू मैनेज यह क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है ट्यूब यूज टू मैनेज इसोफिज सिंगस्टेग एंड ब्लैक ट्यूब एविसरेशन किसको कहते हैं इरप्शन ऑफ बोवेल थ्रू सर्जिकल साइट बोवेल का इरप्शन होना सर्जिकल साइट के थ्रू एविसन कहलाता है इसी का उल्ट्रा डिसियंस एग्जाम उस एग्जाम में नहीं आया था लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए सेपरेशन ऑफ वुंड एज ठीक है ये वुंड है ठीक है यहाँ पर एज जो है वो सेपरेट हो गए हैं तो इसको कह लेंगे क्या कहेंगे हम सेंस और क्या हुआ है एक और दूसरी ये क्या है ये कि वनसा इसमें से ये बाहर आ गई है क्या इंटरेस्ट है ठीक है बॉबल तो उसको कहेंगे एव रिजन लेक्टोज किस हिस्से मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस इस इसको लेकटोस ठीक है अलग अलग होते हैं शुक्रोज माल्टोज जो भी है आशा वर्क एट गांव के लेवल पे काम करती है एक हज़ार लोगों के ऊपर काम करती है ब्लू साड़ी पहनती है ठीक है उसको छः सौ रुपये मिलते हैं इंस्टीट्यूशन डिलीवरी कराने के उसके बाद एक हज़ार लोगों के ऊपर काम करती है कम से कम आठवीं पास होती है ठीक है आठवीं पास उसके बाद इम्यूनोग्लोबिलिन ट्रांसपोर्ट वाया प्लेसेंटा प्लेसेंटा से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसपोर्ट होता है उसका आंसर जाएगा आई जी जी, जी। जो कि सबसे छोटा न्यूरो सबसे छोटा न्यूरो ट्रांसमीटर सॉरी क्या न्यूरो सबसे छोटा इम्यूनोग्लोबिन वो थोड़ा कभी कभी मिक्सअप हो जाता है किलिंग मैक्रोनिज्म विद स्पोर स्पोर की कंडीशन को भी हटाना क्या कहलाता है स्टरलाइजेशन ठीक है ये थे आपके नाइन्टी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है ओके इसी तरह से आप वीडियो को क्या करें क्या करना है आपको पता ही है बता देता हूँ मैं अलग से वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें ठीक है सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर करें ठीक है जिससे कि मुझे और अच्छा लगे मैं और अच्छे से आपको पढ़ाऊँ ठीक है अगर आपको कोई भी शिकायत हो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो भी आप बोल सकते हैं ओके मेरा एक नंबर है उस पर भी आप कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं एट टू थ्री नाइन वन थ्री वन टू टू फाइव ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है कोई भी कॉल नहीं करें ठीक है कॉल बिजी भी, भी आ सकता है तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर घर पे ही बात करता हूँ मैं या कंपनी वालों को फोन आ जाता है कभी कभार और खुश रहें हंसते रहें हंसाते रहें हमेशा okay thank you so much have a great day